दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की ओर से नई शिक्षा नीति के अंतर्गत तैयार किए गए 63 रोजगार परक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत मंगलवार को डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन वैदिक मैथमेटिक्स के साथ साथ परंपरागत विषयों में एमए व एमएससी मैथमेटिक्स की प्रवेश परीक्षा का आयोजन दोपहर की पाली में किया गया। परीक्षा में 593 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। परीक्षा में 541 अभ्यर्थी शामिल हुए जबकि 52 अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा छोड़ दिया है। इसके पूर्व सुबह की पाली में 9 से 11 बजे तक LLB की प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा के लिए 2,205 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। 1,927 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए जबकि 278 अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा को छोड़ दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रवेश परीक्षा देने आए अभ्यर्थी नूर मोहम्मद और वर्षा मिश्रा ने कहा, मेरा नाम नूर मोहम्मद है। पेपर तो काफ़ी मुश्किल था क्योंकि जो मतलब लीगल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन नहीं आए थे, पूरा काफ़ी टफ पेपर बना था। क्या उम्मीद तो लग रहा है कि नहीं निकलेगा, कब जाएगा? हाँ, अर्चना मिश्रा, पेपर किस तरह आया? काफ़ी अच्छा पेपर आया था, बहुत सहूलियत से सारा हो गया। क्या एडमिशन टफ होगा इस बार? अगर हाँ, बच्चे काफ़ी तो और सीटें कम हैं तो हो सकता है कि टफ हो, लेकिन जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया है वैसा अच्छे से गया है तो कहीं हो जाए। थैंक यू।